वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रहीमा और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी दो बकरियों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। एक नदी के ऊपर से एक पुल गुजर रहा था और वो पुल इस कदर छोटा था कि दो बकरियों का एक साथ गुजरना नामुमकिन था। एक दिन एक बकरी उस पुल पर से गुजर रही थी और बीच रास्ते में उसे दूसरी बकरी मिल गई। पहली बकरी ने कहा कि तुम वापस जाओ, पहले मैं जाऊंगी। और दूसरी बकरी ने कहा, वाह वाह, तुम क्यों जाओगी? पहले मैं आई हूँ तो मैं जाऊंगी। पहली बकरी ने कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हें मार दूंगी। दूसरी बकरी ने कहा, ओहो ताकतवर, तुम तो मेरे बराबर भी नहीं हो। पहली बकरी गुस्से से आगे बढ़ी लड़ने के लिए। दूसरी बकरी ने पहली बकरी को रोकते हुए कहा, रुको रुको, अगर हम लड़ने लगे तो हम दोनों ही नहर में गिरकर डूब जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, मैं पुल पर लेट जाती हूँ और तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से गुजर जाओ। अब दूसरी बकरी लेट गई और पहली बकरी उस बकरी के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई और पुल पार कर लिया। अब वैसे ही दूसरी बकरी भी उठी और उसने भी पुल पार कर लिया। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो काम गुस्से से नहीं होता वो काम प्यार से हो जाता है, और हमें हर किसी के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।